किसान रखता। ये कल अखबार में आ गया था परसों, तो उसने देखा था कि सभी किसानों की जमीन है उसको बारूनी बता रखी है, जबकि दो दो तीन तीन फसल होती हैं उनको बारूनी बता रखा है, और वो जबरन इसको इधर से लेकर आए हैं, जबकि शॉर्ट में भी आ रही थी ये उधर से, दो कंपनियों की जमीन थी उसके अंदर से आ रही थी, बहुत 50 किसान पर को देना पड़ता था, अभी इतने कितने हजार पंडा से किसान हैं उन बर्बाद होंगे, तो ये ठीक नहीं है, इसको बंद की जाए, ये इधर से नहीं आनी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, तो कैसे भी करो इसको अब इधर से नहीं आने देंगे। कला जी क्या लग रहा है जिस तरीके से अखबारों में विज्ञापन लग रहे हैं किसानों को, और आप भी किसान आपकी भी जमीन आ रही है? देखो ये तो होना था, ये तो प्रशासन की कार्रवाइयाँ हैं, ये होनी है, लेकिन किसान अपने खेत से रेल लाइन को नहीं लग जाने देगा, क्योंकि किसान जब तक जिंदा है तब तक इस रेल लाइन को जो प्राइवेट कंपनी के लिए जा रही है मर जाएगा, लेकिन रेल लाइन नहीं जाए देने देगा। हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि कोर्ट में तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन जो ज़मीनी संघर्ष लड़ेंगे, यहाँ अगर कोई अधिकारी आएगा वो अपना शरीर वापस लेके नहीं जाएगा, हम लोगों ने या तो देके जाएगा या लेके जाएगा, दोनों में एक काम करेगा। हम निर्णय कर लिया कि आर पार की लड़ाई है, हमें चाहे कैसी भी लड़नी पड़े, मरेंगे या मारेंगे, यही निर्णय लिया हमने। अभी रेलवे लाइन के कुछ ही दूरी पे एक बात करूँ, तभी जो बजट आया उसमें एक बड़ी सड़क भी डाली जा रही है, उससे भी कई किसान प्रभावित होने वाले हैं। वो ये है कि ये राजनीतिक फैसला है, ये जो सड़क है बाईपास, ये सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए जानी है, तो इसके बाईपास इस जो रेल लाइन है इसके समांतर ले जाते अच्छा रहता है। वहाँ आप देखिए छोटे किसान हैं, डाका की डाणी है, माड़ियों की डाणी है, दो दो बीघा की जमीन है, सब जमीनें एक तो रेल में जा रही है, रोड में जा रही है, किसान की ये इन लोगों ने ये समझ लिया है किसान की ज़मीन को कैसे जैसे खुर्द बुर्द करना है, खाना है, ख़त्म करना है, किसान को किसान रहना ही नहीं देना है। तो इस हिसाब से आप विकास के साथ साथ किसानों की ज़मीनें हड़पोगे तो किसान कितने दिन सहन कर पाएगा। किसान साथियों की मीटिंग हुई, आज क्या फैसला लिया गया? हमने दोनों फैसला लिया, ज़मीन पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे, दोनों तरफ से हमने फैसला लिया। सर एक मिनट अठिन लो। एक तरफ किसानों के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन हकीकत ज़मीनी हकीकत की देखें तो क्या हालात हो रखे हैं अभी? नहीं, ज़मीनी हरकत पे जो हकीकत है उसमें तो किसान देखो बुरी तरह तरस है, परेशान है, और इस परिस्थिति में मतलब ये सरकार जैसे किसान की भी खेत के बीच में से अगर कोई सड़क निकालती है या कोई रेलवे निकालती है तो पहली बात तो ये फिजिबिलिटी हो, दूसरी बात उसका उचित मुआवजा मिले, समय पर सब चीज़ हो। किसान चूँकि अपने आप में पहले ही बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रखा है, तो उसको और बर्बाद नहीं करे, सरकार का दायित्व है कि उसको संभाले। क्या कहेंगे, किसानों की लड़ाइयाँ आप लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि अधिग्रहण की कार्रवाइयाँ कुछ समय में शुरू होने वाली हैं। बिल्कुल, अब हम सब के लिए डू और डाई सिचुएशन है, और दूसरी बात यह है कि सरकार ने एक तरफा कार्रवाई करके दोबारा नोटिस जारी कर दिया कि आपकी ज़मीन हड़पी जाएगी। एक तरफ तो सरकार लगातार ये कह रही है कि हम किसान के साथ हैं, उसकी आमदनी दुगुनी करेंगे, और दूसरी तरफ ज़मीन लेकर उसको जिंदा जी दफनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। किसी भी कीमत पर ये रेल लाइन नहीं जाएगी, सारे किसान एकजुट हैं, और हम आपको पुनः सरकार से इस बात का निवेदन करना चाहते हैं। तीन बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया इस बारे में, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था, आज उसके बाद में आश्वस्त करने के बाद में कल नोटिस आया है कि आपकी रेल लाइन दोबारा निकलेगी। अब हम सड़क पर और कोर्ट में दोनों जगह मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। मनोज जी आप भी क्या कहेंगे इस मौके पर? हम इस बात पे ये कहना चाहते हैं, जैसे पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उस पर हमने आपत्ति लगाई थी कोर्ट में, उस आपत्ति पे इन्होंने नोटिस निकाला है, नोटिस पे हमें कोर्ट में बुलाया है, कोर्ट में बुला के हमसे पूछा कि भैया आप क्या चाहते हैं, हमने ये बात बोली कि जो हमने पहले आपत्ति लगाई थी उसी पे हम अड़ी गए, हमें भाई रेलवे लाइन को निरस्त करना है, लेकिन ये लोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं है इनकी। फिर से कल अखबार में जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, राजपत्र जारी कर दिया कि ये रेल लाइन जहाँ से चक्की थी उधर से निकलेगी, ना इसके पास में जो सड़क है वो पारित हुई तो इसके पास से नहीं हुई है, वो भी किसान उसमें मर रहे हैं, इसकी तरफ से कोई सड़क वड़क का कोई निर्धारण नहीं है, तो ये सरकार की और फैक्ट्री की ये मिली भगत होकर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, किसानों के हित में इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। किसानों को तो सरकार के द्वारा और फैक्ट्री के द्वारा हर तरफ से, जब से ये फैक्ट्री लगी है तभी से किसानों को तो मारा ही जा रहा है, कि ये फैक्ट्री है तो किसानों के हित में नहीं लगी है, ये किसानों को मारने को ही लगी है। जो डबल इंजन की सरकार है इसमें भी किसानों का हित नहीं हो रहा है, इसमें किसान मर ही रहा है। चाह रहा था कि मतलब सरकार ने हम लोगों को नोटिस दिया सब किसानों को,
और उसका जवाब हम लोगों ने दिया उनको, और उसके बाद में फिर हमको आया नोटिस कि बोले ये तो आप लोगों की राय क्या है, लास्ट फाइनल में हम लोगों को बोला था, तो हम लोगों ने उनको दिया, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ जब हम लोगों ने सब किसानों ने दे दिया कि पहले बता चुके देने की नहीं है, तो फिर उसका मतलब क्या, अभी फिर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि वहीं से निकलेगी, तो फिर मतलब क्या होगा इसके साथ, मतलब यह हुआ कि हम किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है हम लोगों के साथ, तो सरकार ये जो कर रही है वो गलत कर रही है कि ना किसी और किसी बात के डायरेक्टली बस वही कर रहे हैं अखबार के अंदर दे देते हैं कि ये नोटिफिकेशन हो गया खास बात, तो ये नाटक तो मतलब ये गलत कर रही है सरकार। कंपनी किसानों के साथ दादागिरी कर रही है, किसान मरते दम तक नहीं जाने देंगे, जमीन रहेगी कंपनी नहीं रहेगी, हमने हर कंडीशन में लड़ने के लिए मरने के लिए कोर्ट में जाने के लिए सरकार से सब कुछ करेंगे, सारे हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन ये रेलवे लाइन नहीं जाने के खसरे हैं, थोड़ा सा एक बार बताओ ना पूरा प्रोसेस क्या है, कहाँ का क्या क्या चीज़ बनने का ऐसा प्रोसेजर है, कितने प्रभावित चीज़ें हैं खसरे तो। हाँ एक मिनट थे ऑटो का बताइए। मैं बता, बेरी और धर्मशाला की तीन पंचायत इसमें आ रही हैं, जिसमें तीन राजस्व गांव हैं, भजनगढ़, स्वरूपपुरा और बोजाना। भजनगढ़ में कुल प्रभावित खसरे 13 हैं, जिनमें 89 खातेदारों की जमीन इसके अंदर आ रही है। स्वरूपपुरा में कुल प्रभावित खसरे 22 हैं और 154 किसान खातेदार इसमें हैं, और बोजाना में 13 प्रभावित खसरे हैं जिनमें 79 लोगों की जमीन इसके अंदर आ रही है। यानी अकेली बेरी और धर्मशाला की पंचायत में 322 किसान परिवार सीधे प्रभावित हो रहे हैं। मतलब ये है कि बेरी की 15,000 की पॉपुलेशन में से 2,000 किसानों को सीधा सीधा सरकार मारने पर उतारू। बस और खिरोड़ में दोनों में 50 खसरे हैं और करीबन 250 के लगभग। अच्छा ये चीज़ हो रहा है कि नवलगढ़ के जो किसान हैं उनकी तभी राय ली नहीं गई है ना, क्या आपको देनी है या नहीं देनी, शिकर नहीं, 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 नहीं। यहाँ का जो SDM है ना वो तो खुद एक राजा बना हुआ है, उसको यही पता नहीं कि भाई जनता के साथ कैसा सलूक किया जाता है। आप बताइए, हमें आपत्ति दे दी उसके बाद में उनको ये पूछने का फर्ज नहीं हुआ कि भाई आपकी आपत्ति को हमने निस्तारण कर दिया, तो ठीक है भाई ये क्या कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं ये सरकार के बंदे हुए हैं, इनके सरकार के आका वो कहते हैं वही काम करते हैं, किसान की कौन सुनता है, किसान की कोई सुनता नहीं है, तो किसान का तो जब ये जब खेत में आएंगे तब इनको देख लेंगे क्या करना है। स्थानीय विधायक नवलगढ़ से ये हमारी तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि हाल ही में आपने एक बाईपास निकाली है, वो बाईपास यहाँ से जिधर से रेल लाइन जाएगी उसके जस्ट 1 किलोमीटर दूर से है, जिधर से बाईपास निकलेगी उधर से ज़्यादा डाणियाँ हैं, तो उन लोगों को नुकसान होगा, तो इसलिए मेरा उनसे आप सब की तरफ से निवेदन है कि क्यों ना वो बाईपास जिधर से आपने रेलवे लाइन प्रस्तावित की है उसके बिल्कुल बगल से वो आप वो सड़क निकालने का कष्ट करें।